रसोई रत्न परिवार की तरफ से महाराजा अग्रसेन भवन कमलानगर में होली मिलन समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में कविजनों ने मां शारदे के चरणों में काव्य पाठ किया। आज रसोई रत्न जो एक आगरे का बहुत बड़ा आटे के मामले में ब्रांड हो चुका है, उनके द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा और जितने भी उनके कस्टमर्स हैं, लगभग 400 दुकानदार, आज उन लोगों ने, सबों ने मिलकर के आज होली मिलन समारोह मनाया है। क्योंकि मैं इस परिवार को बहुत ही नजदीकी से जानता हूँ और इनकी गुणवत्ता को भी जानता हूँ, ईमानदारी को भी जानता हूँ। तो रसोई रत्न एक ऐसा आटा है कि वो कभी भी मिलावट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके जो संस्थापक स्वर्गीय रामजी लाल जी अग्रवाल, मेरी उनसे बहुत बात होती थी, उनका कहना था हमको प्रॉफिट बहुत कम हो जाए लेकिन लोगों के दिमाग में जे इस तरीके से चढ़ जाए कि इतनी विश्वसनीयता चढ़े जाए कि भाई अगर हमको कोई आटा खाना है तो हमको रसोई रतन आटा ही खाना है। बढ़ते 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 जब उसका मनोबल बढ़ता है तो मनोबल के साथ बहुत जरूरी है उसके जो कस्टमर्स हैं, उसके जो अपने परिवार के लोग हैं जिसने उस ब्रांड को बढ़ाया है, आज उसका सम्मान करना वो भी होली के अवसर पर बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। सम्मान देकर और अपने सारे ग्राहकों को बुलाकर एक तरह का सेल इंसेंटिव है, जैसे जैसे हम अपने सम्मान देंगे, अपने डीलरों को सम्मान देंगे, अपने ब्रांड को बढ़ाएंगे, आज बहुत जरूरी है। अनेक ब्रांड है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अपनी जो मीट करती है उन मीट का उद्देश्य ये है कि दिन पर दिन हमारा ब्रांड प्रचलित हो। 20वां वर्ष बना रहा है अपना और इस शुभ अवसर पर हमने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। अपने आगरा के प्रमुख डीलरों को बुलाया है जो कि 400 से अधिक है और एक बृहद कवि सम्मेलन आयोजित किया है, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, राष्ट्रीय कवि शिरकत कर रहे हैं इसमें और सभी आनंद ले रहे हैं।